कंपनियां एनडीएमसी में, एनडीएमसी टुडे बिंदुओं पर, एनडीएमसी टुडे इश्यूज पर और दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछते हैं तो आप बार बार के वीडियो उसमें देखते होंगे अरविंद केजरीवाल जी डर के भाग जाते हैं। तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी डरपोक मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले आपके वीडियो के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे जनता का दबाव लगाएंगे, जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे, जनता से बात करेंगे, पर आप तो उस एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में जिसको आप चेयर करते हैं, एनडीएमसी के इतिहास में इतने सालों में पहली बार हुआ है कि जो चेयर करने वाला है, मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि एनडीएमसी के इतिहास में पहली बार हुआ है जो चेयर करने वाला है वो क्वेश्चंस का जवाब ना देकर मीटिंग को स्थगित करके भाग जाते हैं। ऐसे मैं नहीं कह रहा, ऐसे रिकॉर्ड और भागते हुए की वीडियो दिखाई जाती है। साथ ही मैंने कहा जब उनसे दिल्ली की स्थिति पर सवाल पूछे, जब मैंने उनसे एनडीएमसी में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब एनडीएमसी में G20 समिट हुआ और वहां हमने आरटीए भी लगा के पूछा तो G20 समिट के डेवलपमेंट में, G20 समिट की ब्यूटिफिकेशन में आप नहीं आए, तो उसके पास उनके जवाब नहीं। जब दिल्ली काउंसिल की मीटिंग में हमने उनसे एयर पोल्यूशन पर बात की तो आपको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि हाँ बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, जवाब नहीं पता। मैंने उनसे कहा अरविंद केजरीवाल जी आपका एनडीएमसी अपनी नई दिल्ली विधानसभा में 0 कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा आरटीआई बताती है, पर फिर भी हमारी एनडीएमसी की पूरी टीम ने, हम सब लोगों ने आपको एनडीएमसी के रोड चप्पे मिलेंगे, आपको ग्रीन टूअर पूरा मिलेगा, आपको हॉर्टिकल्चर मिलेगा, हमारे कारण रोड का पोल्यूशन नहीं मिलेगा। और मैं आज कल एक उसी से जोड़ती हुई बात करता हूँ कि कल एक चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग थी, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जिसके मिनट्स आप लोगों के पास आएंगे, उसको जब मिनट्स आपके पास आएंगे उसके मिनट्स की जो मीटिंग की जानकारी है, उसमें दिल्ली में 5 नोडल ऑफिसर लगाए, वो 5 नोडल ऑफिसर्स थे और उस मीटिंग में सारे एचओडीज थे, जेपीडब्ल्यूडी के थे, केएमसीडी के थे, दिल्ली जल बोर्ड के थे, पुलिस के थे, पाकिस्तान थे। उस मीटिंग में सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि करंट में जो दिल्ली के पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है वो दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं और गड्ढे क्यों हो रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड अपना काम कर देता है और उनको पूरा गड्ढे खोल देता है, ना जो जल बोर्ड का काम पूरा होता है ना वो गड्ढे भरे जाते, वो गड्ढे और कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए, उनके अफसर जो पहले कुछ अंदर भी जा चुके हैं, वो पीडब्ल्यूडी जब काम करके रोड को अधूरा छोड़ देती है, तो अगर आप जाएंगे, आप मेरे साथ कभी चल के देखेंगे, तो बवाना की तरफ जाएंगे, आप देवपुर की तरफ जाएंगे, आप मुंडका की तरफ जाएंगे, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ जाएंगे, आप भी जाके देखेंगे, तो ऐसे दिल्ली जल बोर्ड के काम करे हुए गड्ढे, पीडब्ल्यूडी के गड्ढे आपको बतेरे रूट्स पे दिखेंगे। केजरीवाल जी के पास जवाब नहीं था। मैंने उनसे कहा अरविंद केजरीवाल जी अब पराली जलाने का बहाना करते थे कि पराली जल रही है और जब पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो एक भी पराली नहीं जलेगी। दिल्ली की जनता को मैं ऐसे झूठे वादे करते थे, झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है, मीटिंग से भागने में एक्सपर्ट हो गए अरविंद केजरीवाल जी। तो मैंने कहा आपकी जो रियल टाइम डाटा की स्टडी है वो पिछले महीने में बताती है कि पंजाब में लगभग 600 के करीब पराली जलाने